कोई बताए ये स्वर्ग कैसा होगा, कोई बताए ये स्वर्ग कैसा होगा, अपने छोटे से घर के जैसा होगा। मेरा भी इस घर में उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अरे तुम्हारा हक हो ना हो, लेकिन मेरी बीवी की बेइज्जती करने वाले को मैं इस घर की छत के नीचे नहीं देख सकता। अब ये घर मेरा है और यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूंगी। चल मुंडिया मंदिर में चलकर शादी करते हैं, शादी करते हैं, डर से घर वालों के सब प्रेमी डरते हैं। चल मुंडिया मंदिर में चलकर, चल मुंडिया मंदिर में चलकर शादी करते हैं, शादी करते हैं, डर से घर वालों के सब प्रेमी डरते हैं। क्या हुआ सेठ? अरे क्या हुआ क्या, इसने इधर खाना खाया, 25 रुपए का बिल बनाया, ऊपर से बोलता है 50 का नोट दिया है। नहीं नहीं आप बताओ, इसने 50 का नोट दिया है? दिया है। इसने 50 का नोट दिया वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 100 का नोट दिया वो मालूम है ना। धनराज को उस घर से निकाल कर मैं वहाँ तुम्हारे लिए एक शानदार बंगला बनवाऊंगा। अपनों से मदद नहीं लेगा और दूसरों से उधार लेकर वक्त पे वापस नहीं किया तो शर्म नहीं आएगी? मैंने कहा ना डैडी, मैं विनय से ही शादी करूंगी। अरे लेकिन ये विनय है कहाँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा उसे। ये क्या मादरा है बताओ सनम, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। हम तुम्हारी शादी द्वारका दास जी की बेटी से तय कर चुके हैं, इस बात की खबर है कि नहीं तुम्हें? जी एक बार बात हुई थी। शरीफ लोगों के लिए बात का एक बार हो जाना पत्थर पे लकीर की तरह होता है। खैरो इसी तरह गुड नाइट कहकर अलग रहना था तो फिर मेरे साथ फेरे क्यों लिए? वो मेरे बाप से पूछो। मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारे बाप से नहीं। मैं अपने बाप की आज्ञा नहीं टाल सकता। तो फिर ठीक है, अब तो रंबा संबा होकर ही रहते। मोहब्बत अग्नि जो एक स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दे। मुझे छोड़ दो अग्नि, मुझे छोड़ दो अग्नि, मेरा हाथ उठ जाएगा।